सविता यहाँ से आगे से हटना, वो रंगोली दिखानी है मेरे को। नहीं नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी आज, मेरी रंगोली अच्छी नहीं बनी। नहीं बहुत अच्छी बनी है। तो पापा आ चुके हैं? तो पापा आ चुके हैं, अब हम पूजा करना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल उठ चुके हैं, अब हम उनको नहलाएंगे। और आज हम उनको पहनाने जा रहे हैं एकदम न्यू ड्रेस, जो हम लाए थे खाटू श्याम जी से। ये देखिए इनके ज्वेलरी, ये सब हम खाटू श्याम जी से लाए थे। ये देखिए और ये देखिए कितना प्यारा मुकुट है, ये देखिए कितना प्यारा मुकुट है। और ये ड्रेस तो जब हम लड्डू गोपाल को ये ड्रेस पहनाएंगे तो आपको दिखाएंगे लड्डू गोपाल कैसे लगे हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल को भी ड्रेस पहन के नई नई बड़ा मजा आता है, बड़े सुंदर दिखते हैं, बहुत खुश दिखते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और दिखाते हैं हम आपको तैयार करके। Thank you.
आज नाश्ते में मैंने ये कैरी का मुरब्बा और मिर्ची का अचार, आलू की भाजी और पराठा दूध ये बनाया। ये पटाखे हैं और ये मेरी आंटी ने दिए जो मुझे बहुत प्यार करती है। और देखो कितने सारे फूलझड़ियां दिए हैं, ये चार फूलझड़ियां और ये कितनी सारी चक्रियां और पांच सुतली बम और एक बुलेट, तीन बुलेट बम और एक बिजली क्रैकर्स एंड बस यही है। अच्छा लगा आंटी के तरफ से जो गिफ्ट मिला है। ओके बाय कर दो चलो सबको। तो आज मैंने बड़ी ही मेहनत से रंगोली बनाई है, मुझे लगभग 2 घंटे लगे हैं, 1.5-2 घंटे, क्योंकि मैंने रंगोली भी बनाई और मैंने फूलों से भी सजाया। तो मैं दिखाती हूँ आप सबको, बने रहिए मेरे साथ। तो ये देखिए मेन गेट के सामने मैंने बनाई है और सीढ़ियों पे भी मैंने बनाई है। मैं आपको दिखाऊंगी सीढ़ियों को भी मैंने कैसे सजाया है और दीवार के आसपास मैंने रंगोली बनाई है और उसके आसपास फूलों से। और ये हमारे नेबर हैं, इनकी मिसेज गई हैं अपने घर, तो मैंने थोड़ा इनका गेट भी सजा दिया। और ये है हमारी सीढ़ियाँ। ये देखिए मैंने पूरी सीढ़ियाँ ऐसे सजाई हैं और शाम को मैं इन पे दिए भी लगाऊंगी। तो शाम को एक बार जब पूरी डेकोरेशन हो जाएगी दियों के साथ तो मैं आपको दिखाऊंगी फिर से। तो आप ये देखिए मैंने दोनों तरफ दिए लगाने के लिए छोटे छोटे बूटे बनाए हैं, पूरी सीढ़ियों पे बनाए हैं। और नीचे उतरने वाली जो सीढ़ियां हैं यहाँ पर भी बनाए हैं, ये देखिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी रंगोली कैसी लगी है। ये देखिए थोड़ा मैंने इधर भी बनाया है और मैं आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ। और आप बताइए मेरी ड्रेस कैसी लगी है। हम घर को बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली हमने सारी दिवाली अपने घर वालों के साथ ही मनाई है। ये हमारी सेकंड दिवाली है, पिछली बार भी हमको दिवाली यही मनानी पड़ी और इस बार भी हम दिवाली यहीं पे मना रहे हैं क्योंकि छुट्टी का इशू हो जाता है, बच्चों के एग्जाम 21 को ख़त्म हुए हैं तो हमारे यहाँ से काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है, जाने में ही 2 दिन लगते हैं, आने में 2 दिन लगते हैं। और मेरे मिस्टर को भी छुट्टी नहीं इतनी मिल पाती है, फिर ऊपर से बच्चे भी बड़ी क्लासेस में आ गए हैं तो बहुत सारे इशू हो जाते हैं। तो जिस कारण मैं क्या करती हूँ कि जब बच्चों की छुट्टी आ जाती है तब घर जाना होता है, नहीं तो पहले हम होली दिवाली या एक दो और त्यौहार अपने घर पे ही मनाते थे। और आप तो जानते ही है अपने घर वालों के साथ त्यौहार मनाने में कितना अच्छा लगता है, साथ साथ हम अपने पेरेंट्स के भी साथ तो थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, इन लोग के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चों को भी दादा दादी का प्यार मिलता है, नाना नानी का प्यार मिलता है, मामा मामी सबको मेरे बच्चे बहुत मिस करते हैं। लेकिन क्या करें, हमारे सामने बहुत मजबूरी है इस चीज़ की। और अभी भी बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे 3 दिन बाद,
तो यही हो जाता है कि बच्चों को छुट्टियाँ नहीं मिल रही है, कभी मेरे मिस्टर को छुट्टी नहीं मिलती है, तो कोई नहीं, लाइफ है, लाइफ के सारे फेज झेलने पड़ते हैं, देखने पड़ता है। ऐसे मन में आया कि मैं आपको बताऊं, आप सब पूछोगे कि आप घर क्यों नहीं गए, तो बहुत मिस कर रही हूँ मैं सबको, बहुत मिस कर रही हूँ। सविता लगी हुई है खाना बनाने के लिए और आई थिंक ये लेट हो चुकी है, पर इसकी जो स्पीड है वो काफी तेज है, ये मैनेज कर लेगी। पापा आ चुके हैं, तो पापा आ चुके हैं, अब हम पूजा करना स्टार्ट कर देंगे। क्या बोला? मैनेजर ऑफ बकरी फार्म। मतलब नौकरी करेगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा, है मैनेजर ही बनेगा है? क्यों? बस मतलब नौकरी करनी है तेरे को भी, है कोई दिमाग लगा बेटा बिजनेस में, कोई है नौकर बनेगा नहीं। और नौकर क्या होता है? तेरा पापा, जैसे तेरे पापा नौकर है, क्या कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, नहीं हो। अच्छा क्या हूँ मैं? आप हो बिजनेसमैन। मैं बिजनेसमैन हूँ, कैसे? हेड बॉस। कैसे? अपनी कंपनी के हेड बॉस। अच्छा
लगा लगा लगाते हैं। चल गया तू फुल पे ध्यान दे अपनी। फिड़की मार रही ऊपर आ जा जा मई मई दीदी के पास दीदी इधर अनाज लगा इससे भी छोटी से अनाज लगते हैं इसे एंजॉय कर इसको बेटा है पहले इसको एंजॉय कर लो बड़ी है वो नहीं नहीं बन रही है ओए इधर जाकर एक मिनट हो गया तुम लोगों एक मिनट तो ऊपर हो गया ये बहुत लंबी है बहुत लंबी हुई जा रही है दूर ले हो गया निधि के त्राता ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती तहां सब सतगुण आता मैया सब सतगुण आता सब संभव हो जाता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता